क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल शुरू होने वाला है और मुंबई इंडियंस खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि टीम के बड़े खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को कप्तान मानने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा बड़ा बवाल मचा है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गजों को लेकर बड़ी खबरें आ रही थी कि वो तीनों ही इस सीजन के कम से कम 4 से 5 मैच नहीं खेलेंगे और उससे ज्यादा भी मैच मिस कर सकते हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस को बहुत बड़ा झटका। तो इसके बाद ही मुंबई के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट रोहित के आगे इसके बाद लाने लगा है। रोहित के हाथ पैर जोड़ लिए, जिसके बाद थोड़ा बहुत रोहित शर्मा मान भी गए, लेकिन बहुत सारी शर्तें लगा दी हैं। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा क्या बुमराह और सूर्या को भी मनाएंगे? तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने कप्तानी से हटा दिया था और ये फैसला ना तो रोहित को पसंद आया, ना ही टीम के बड़े खिलाड़ियों को और ना ही मुंबई के फैंस को। लेकिन फिर भी हार्दिक को कप्तान बनाकर ही मुंबई की टीम इस बार खिताब जीतना चाहती है, जो कि सच होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बगावत कर दी है। खुद रोहित शर्मा ने कई मैच खेलने से मना कर दिया, तो सूर्या और बुमराह ने भी बड़ी छुट्टी की डिमांड कर दी। अब नई और बड़ी खबर ये है कि मुंबई इंडियंस के इंटरनेशनल ऑपरेशन के ओवरऑल हेड महिला जयवर्धन और मुंबई इंडियंस के मेंटर जहीर खान ने रोहित शर्मा से बात की है, क्योंकि हेड कोच मार्क बाउचर से बात हो नहीं पा रही थी, उनकी बात रोहित समझ नहीं रहे थे और आनंद फानन में बैकफुट में आकर मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने बड़े बड़े दिग्गज अधिकारियों ने रोहित शर्मा से बात की है और मुंबई इंडियंस खेमे की हालत गिड़गिड़ाने जैसी थी, जिसमें रोहित से बात की गई, रिक्वेस्ट की गई कि वो सारे के सारे मैच खेलें और बुमराह सूर्या को भी मैच खेलने के लिए तैयार करें, यानी कि मना लें। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर रोहित ने मैनेजमेंट की सारी बातें सुनी, लेकिन कई सारी शर्तें भी लगा दी और वो शर्तें आप भी देखिए। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो इस पूरे सीजन ओपनिंग ही करेंगे। जी हाँ, रोहित को ओपनिंग से हटाने की प्लानिंग चल रही थी। मुंबई का मैनेजमेंट और कप्तान हार्दिक पांड्या चाहते थे कि ईशान किशन के साथ इस सीजन निहाल वडेरा ओपनिंग करें और रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आकर खेलें, जैसे कि पहले भी रोहित आईपीएल में करते रहे। लेकिन रोहित ने मिडिल ऑर्डर में खेलने से साफ मना कर दिया और सीधे सीधे कहा है कि वो पूरे सीजन ओपनिंग ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद होने वाले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए भी ओपनिंग करेंगे। और बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट ने रोहित की सबसे बड़ी डिमांड को, शर्त को मान लिया है। सूत्रों के मुताबिक रोहित ने दूसरी शर्त रखी है कि उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए, यानी कि उनके साथ दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों के जैसा व्यवहार ट्रीटमेंट ना किया जाए। असल में आईपीएल जब भी होता है तो खिलाड़ी करीब 2 महीने तक महंगे महंगे 5-स्टार होटल्स में रहते हैं और इस दौरान कप्तान को तो लग्जूरियस सुइट मिलता है जिसमें कई सारे कमरे होते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को सिंगल रूम ही मिलता है। तो रोहित शर्मा ने डिमांड रख दी है कि जैसे वो अब तक कप्तान होने के नाते बड़े सुइट में रहते रहे हैं, तो वहीं पर रहेंगे। और ये भी मुंबई इंडियंस ने मान लिया, यानी कि रोहित भले ही कप्तान ना हो, लेकिन कप्तान जैसी सुविधाएं, कप्तान जैसे सुइट में ही रोहित शर्मा रहेंगे, सिंगल रूम में हिटमैन नहीं रहेंगे। और हिटमैन ने इसके लिए भी मैनेजमेंट को मना ही लिया है। सूत्रों के मुताबिक तीसरी और बड़ी शर्त रोहित ने ये रखी है कि फील्डिंग के दौरान वो बदतमीजी और गलत हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि हार्दिक पांड्या कुख्यात हैं कि वो अपने खिलाड़ियों को गालियां देते हैं, फील्डिंग के दौरान कुछ भी कह देते हैं, तो रोहित शर्मा ने आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले इस पर साफ कर दिया है कि उनके साथ हार्दिक ने कुछ भी गलत किया या कुछ भी गलत कहा तो वहीं मैदान पर ही छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अपने सम्मान के साथ समझौता वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रोहित ने कहा है कि वो पहले ही सम्मान से समझौता करके हार्दिक की कप्तानी में खेलने को तैयार हुए हैं, लेकिन मैदान में हार्दिक की बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि ये शर्त भी मान ली गई है। जी हाँ, मैनेजमेंट ने पूरा पूरा भरोसा रोहित को दिया है कि हार्दिक पांड्या को कहा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि वो खिलाड़ियों के साथ कैसा बिहेव करें और हार्दिक की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा कमिटमेंट दिया गया। अब ये नहीं, इसके अलावा कई छोटी मोटी शर्तें और भी थी जो रोहित शर्मा ने रखी थी, वो भी मान ली गई है। कई खिलाड़ियों को लेकर खबरें थी, कई लॉजिस्टिक्स को लेकर खबरें थी, और खबर है कि रोहित की सारी शर्तों को मान लिया गया है। रोहित शर्मा भी मान गए, यानी कि रोहित शर्मा इस पूरे सीजन मुंबई के लिए खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन हालांकि इसके बाद भी 1-2 या फिर 3 मैच अभी भी रोहित शर्मा मिस कर सकते हैं, लेकिन वो मैच बाद में तय किए जाएंगे। तो मुंबई का मैनेजमेंट हालांकि ये भी चाहता है कि रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव से भी बात करें, उन्हें भी पूरा सीजन खेलने के लिए मोटिवेट करें, मनाएं, क्योंकि सूर्य और बुमराह ने भी पहले मना किया है कि वो पूरे सीजन मुंबई के लिए नहीं खेल सकते। और सूर्या
बुमराह के बगैर मुंबई की टीम का सीजन का खिताब क्या, वो मैच जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पूर्व कप्तान, दिग्गज खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा को ये बात और जिम्मेदारी दी गई है कि वो सूर्या और बुमराह से बात करें, उन्हें भी मनाएं। अब हालांकि रोहित बात तो करेंगे लेकिन सूर्या और बुमराह मानेंगे नहीं मानेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मुंबई के खेमे में बवाल मचा हुआ है, खलबली मची हुई है और इसीलिए रोहित शर्मा के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं और रोहित भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? रोहित ने जो भी किया, जो शर्तें रखी, क्या वो ठीक है या फिर गलत है? कमेंट बॉक्स में रोहित के फैसलों को लेकर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई इंडियंस खेमे में खलबली मच गई है क्योंकि आईपीएल शुरू होने में सिर्फ हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन मुंबई इंडियंस के तीन बड़े या कहें कि दुनिया के तीन दिग्गज खिलाड़ियों ने मुंबई की टीम में खेलने से ही इनकार कर दिया है। अब पहले वो नाम आपको बता दें कि कौन खिलाड़ी कितना नहीं खेलेगा, उसके बाद बताएंगे कि इसकी असल वजह, अंदर वाली खबर क्या है। तो सबसे पहला और बड़ा नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्या ने अपडेट दिया है कि वो अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, वो अभी भी खेलने के लिए तैयार नहीं है। सूर्या बेंगलुरु एनसीए में रिहैब कर रहे हैं और कम से कम आईपीएल के पहले 5 मैच मिस करेंगे, यानी कि मिडिल ऑर्डर में दुनिया का सबसे बड़ा T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेगा और मुंबई के लिए सबसे बड़ा झटका है। दूसरा बड़ा नाम है रोहित शर्मा। हिटमैन को लेकर पहले कहा गया था कि वो 15 मार्च को मुंबई इंडियंस का कैंप ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन रोहित आए ही नहीं है। जी हाँ, और लेकिन रोहित तो नहीं आए लेकिन उनकी खबर जरूर आई है। रोहित ने मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट से कहा है कि वो कुछ दिन छुट्टी पर रहेंगे क्योंकि धर्मशाला टेस्ट मैच के आखिरी दिन उनकी पीठ का दर्द भी उभर गया था और वो दर्द को ठीक होने में अभी वक्त लगने वाला है, लिहाजा रोहित भी कम से कम 4 से 5 मैच शुरुआती नहीं खेलेंगे और उसके बाद भी पीठ का दर्द बना रहता है। तो रोहित शर्मा लंबा लेंगे और आखिर के कुछ ही मैच आईपीएल में खेलेंगे और वो भी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के खातिर, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था। यानी कि रोहित शर्मा ने साफ मन बना लिया कि इस बार आईपीएल में वो कम से कम खेलेंगे और मुंबई के लिए ओपनिंग में भी इस बार बड़ी वाली लंका लग चुकी है। तीसरा एक और बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह। सही सुन रहे हैं आप, जिस बुमराह के भरोसे टीम इंडिया ही नहीं मुंबई इंडियंस भी इस बार खिताब जीतने और कम से कम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की सोच रही है, वही बुमराह T20 वर्ल्ड कप के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते हैं। बुमराह ने भी कम से कम 4-5 मैच नहीं खेलने की बात कही है और इतने मैच नहीं खेलने का मतलब सीधा है कि मुंबई इंडियंस इतने मैचों में बुरी तरह से हारेगी और पहले ही फेज में मुंबई इंडियंस का हार के बाद बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। प्लेऑफ से मुंबई की टीम दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हो सकती है। अब कहानी है कि तीनों ही खिलाड़ियों से टीम मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, कप्तान हार्दिक पांड्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जबरदस्ती तो यहां पर कर नहीं सकते। लिहाजा तीनों ही खिलाड़ी मानने को यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब अंदर की कहानी, अंदर की खबर ये है सबसे बड़ी वाली कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी दिए जाने के बाद से ही तीनों ही खिलाड़ी नाराज हैं। रोहित तो भयंकर नाराज हैं और ऊपर से सूर्या और बुमराह ने भी इस पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि सूर्या और बुमराह दोनों को लगता था कि रोहित शर्मा इस सीजन कप्तानी करेंगे, अगले सीजन से मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन दोनों में से किसी एक को मिलेगी और सूर्या और बुमराह का हक भी था। मगर पहले तो रोहित की जगह पांड्या और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने छीन ली, उसके बाद सूर्या और बुमराह का हक भी छीन लिया और हो सकता है कि उसी वजह से तीनों ही खिलाड़ी इस बार कम से कम मुंबई के लिए खेलना चाहते हैं और उसके बाद अगले साल तो मेगा आईपीएल ऑक्शन होना है। लिया जाता है कि तीनों ही खिलाड़ी अगली बार ऑक्शन में जाएंगे, मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ देंगे। सूर्या, रोहित और बुमराह अब मुंबई के साथ आगे अगले सीजन से नजर नहीं आएंगे और इसी वजह से हो सकता है कि इस बार भी खेलने में आनाकानी कर रहे हैं। तो इन तीनों ही खिलाड़ियों के नहीं खेलने से मुंबई की टीम का क्या हाल होगा, जीत पर कितना फर्क पड़ेगा और क्या प्लेऑफ में अभी क्वालिफाई कर पाएगी, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।